अ वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देविंदर ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रेपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्लांट हार्मोन्स, या इनको बच्चों हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल देते हैं, या हम इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोल देते हैं। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल्स हार्मोन डिस्कस करा था, तो वहां से हमने क्या सीखा कि हार्मोन जो होते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर एंड क्रिएटेड इन स्मॉल अमाउंट, क्रिएटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो वहां एनिमल्स में ये जो हार्मोन्स थे they are secreted by the endocrine glands directly into the blood streams. तो blood stream में directly जो थे वो endocrine glands अपनी secretion hormones directly pour करते थे, डालते थे, release करते थे, और जो circulatory system है हमारा वो उन hormones को target site तक लेके जाता था। तो बच्चों, in case of plant, तो plant के case में बच्चों जैसे आपको पता ही है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, पर हार्मोन्स हैं जो इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, ये हार्मोन कैसे ट्रांसलोकेट होंगे, ठीक है, वो हम सीखेंगे। इसमें ट्रांसलोकेशन के जो टिश्यू हैं, एक्साइलम है, फ्लोइम है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से ये क्या करेंगे, अपना एक्शन और ट्रांसलोकेशन इनकी कंप्लीट होती है। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, एक बार दोबारा रिवाइज कर ले, दे आर मैसेंजर दैट रिस्पॉन्ड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मिलना जरूरी होता है, इंटरनल स्टिमुलस मिले चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में। दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन अ पार्ट ऑफ द प्लांट एंड then transported to xylem, phloem or by diffusion to other part. They may promote or inhibit growth. तो ये जो plant hormones होते हैं ये या तो growth को promote करेंगे या growth को inhibit करेंगे, means stop करेंगे, ठीक है, या तो growth को रोकेंगे, growth को बढ़ाएंगे। तो बच्चों, जो plant hormones होते हैं वो पांच तरह के होते हैं हमारे पास, total कितने होते हैं, पांच तरह। और ये जो हार्मोन्स हैं इसमें जो तीन हार्मोन रहेंगे, जो तीन हार्मोन हैं कौन कौन से बच्चों, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन्स हैं या ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ठीक है, यानी कि ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। और जो दो हार्मोन्स हैं हमारे पास कौन कौन से, अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे जो प्लांट हार्मोन है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो तीन होंगे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। और ये जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं वो दो तरह के, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब बच्चों, ये अपना रोल, अपना फंक्शन किस तरह से प्ले करते हैं उसकी हम एक उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्लांट है वो फोटोट्रोपिज्म क्यों शो करता है, ठीक है, तो आंसर फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों, दोबारा बता देता हूँ, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट या बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, तो बेंड हो जाता है प्लांट उसकी तरफ, तो वो कैसे होता है, या जो क्लिम्बिंग, जो क्लिम्बर होते हैं, क्लिम्बर प्लांट होते हैं जो स्पोर्ट के साथ ऊपर चलते हैं, उसमें टेंड्रिल्स बनते हैं, ठीक है, और वो टेंड्रिल्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, उसमें भी ऑक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों, ऑक्सिन कैसे काम करता है, ऑक्सिन कैसे काम करेगा उसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, सनफ्लावर, जैसे हमारे पास बच्चों सनफ्लावर है। अब सनफ्लावर में क्या हुआ, ये सनलाइट है, जैसे ही उसकी ग्रोइंग टिप, सनफ्लावर की जो ग्रोइंग टिप है वो क्या करती है, सनलाइट को सेंस करेगी, तो वहां पे ऑक्सिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाए टिप पे, क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन उसी टिप पे रिलीज होगा, क्लियर है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो ऑक्सिन जो हार्मोन है बच्चों
ये डिफ्यूज हो जाता है। कहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, देखो सेकंड डायग्राम है, ये ऑक्सीजन, ये डॉट डॉट है, ये ऑक्सीजन ही है, ये डिफ्यूज किस साइड हो रहा है बच्चों, सेल डी प्लेस की तरफ। किस साइड डिफ्यूज हुआ, सेल डी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हुआ है। अब सेल डी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हुआ तो हमें पता है ऑक्सीजन क्या है, एक ग्रोथ हार्मोन है। क्लियर है, क्या ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है। जैसे ये सपोज टिप है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ से लाइट आ रही है हमारे पास, ये सनलाइट है, ठीक है, और ऑक्सीजन तो निकला टिप पे। अब ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है हार्मोन, वो क्या करेगा, वो सेल डी प्लेस की तरफ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, इस पोर्शन में चला जाएगा। और ये क्या काउज करता है, सेल इलोंगेशन, मतलब सेल ग्रोथ काउज करेगा, सेल इलोंगेशन काउज करेगा। यहां से सेल अगर बड़े हो जाएंगे तो इसमें बेंड आने शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बेंडिंग हो जाएगी उसकी स्टेम की, तो बेंडिंग होगी और ये जो है वो किस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा बच्चों, सन की तरफ जाएगा, सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो बेंडिंग कौन काउज कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे मैं टेंड्रिल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ये स्पोर्ट थी, ये ग्रोइंग टिप थी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। जैसे यहाँ पे सपोज हमारे पास टेंड्रिल्स हैं, ये स्पोर्ट है, ये टेंड्रिल यहाँ पे आ गया है, जो क्लिम्बर प्लांट है, अगर मैं उसकी बात दोबारा बता देता हूँ तो मैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बना, सनलाइट यहाँ पे, ठीक है, ये सन है हमारे पास। तो यहाँ इस ग्रोइंग टिप में क्या हुआ, जैसे ग्रोइंग टिप यहाँ आ गई है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों, सनलाइट उस साइड पड़ रही है इसके, तो ये ऑक्सीजन तो इस साइड आ जाएगा ना, ऑक्सीजन इस साइड डिफ्यूज होगा सेल डी प्लेस की तरफ, तो इस साइड इलोंगेट होंगे और इसमें कर्व आने शुरू हो जाएगा। तो इसे ही वो क्या करेगा, फिर इस तरह से कॉइल कर देगा और ये प्लांट क्लिंब करेगा, सपोर्ट मिल जाएगी उसको। तो बच्चों सेल डी प्लेस की तरफ आया, तो उसके बाद क्या हुआ, सेल इलोंगेशन हुई, सेल इलोंगेशन हुई तो यहाँ पे बेंडिंग होगी। क्लियर है, तो ऑक्सीजन की वजह से जो है वो फोटोट्रोपिज्म मींस प्लांट जो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। वन द प्लांट डिटेक्ट सनलाइट, ये हम इसकी बात करें, जैसे प्लांट ने क्या करा, सनलाइट को डिटेक्ट करा, द हार्मोन ऑक्सीजन इज सिक्रेटेड एट द शूट टिप। तो हार्मोन कहाँ सिक्रेट रिलीज हो गया बच्चों, शूट टिप के ऊपर हो गया, एंड दिस सिक्रेटेड ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड द साइड साइड ऑफ द प्लांट। तो जहां छाया होगी प्लांट के उस साइड, ये क्या हो गया बच्चों, डिफ्यूज हो गया। अब क्या हुआ, दिस मेक द सेल्स ऑन द सेडी साइड टू ग्रो लॉन्गर। तो जो सेडी साइड के जो सेल थे वो, उनमें इलोंगेशन हुई है और वो प्लांट जो है वो क्या हुआ बच्चों, बेंड हो गया टुवर्ड्स द लाइट, द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। क्लियर है, तो ऑक्सीजन का ये रोल होता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन्स, वो रहेगा बच्चों गिबरलिन। क्या रहेगा, गिबरलिन। ये जो गिबरलिन हार्मोन है बच्चों, इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ, इसमें है ही ग्रोथ हार्मोन है, तो गिबरलिन इन कंट्रास्ट टू ऑक्सीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेम। तो ये किसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, वो सेम की ग्रोथ के लिए। ऑक्सीन क्या करा था, सेल इलोंगेशन एंड हेल्प इन बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, और ये क्या कर रहा है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। ये और भी इसके इसी के फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो बच्चों ये जो गिबरलिन है उसके कुछ फंक्शन यहाँ रिलेटेड टू ग्रोथ लिखे हैं, वो तुम्हें याद होने चाहिए। इट स्टिमुलेट स्टेम एंड रूट ग्रोथ, ये क्या कर रहा है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। रेगुलेट ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट प्लांट, एनहांसिंग द कैल्शियम फास्फोरस एंड पोटासियम कंटेंट, कैल्शियम फास्फोरस और पोटासियम कंटेंट को भी ये बढ़ाता है, एंड जो अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। इसको आपने नहीं करना, आपने ये ध्यान रखना है बस, एनहांसिंग द कैल्शियम फास्फोरस एंड पोटासियम कंटेंट स्टिमुलेट स्टेम एंड रूट ग्रोथ, रेगुलेट ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू अडल्ट प्लांट, एंड प्रमोट पोलन डेवलपमेंट। ये भी इसका फंक्शन है बच्चों, जो पोलन डेवलपमेंट है उसमें भी ये प्रमोशन मतलब हेल्प करता है पोलन डेवलपमेंट में, एंड प्रमोट फ्रूट सेटिंग एंड पार्थेनोकार्पी, फ्रूट सेटिंग एंड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस कॉल पार्थेनोकार्पी, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होना, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। तो वो भी कौन प्रमोट कर रहा है, गिबरलिन। प्रमोट सीड जर्मिनेशन, तो ये क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करेगा बच्चों। ये तीन फंक्शन ये वाले आपको पता होने चाहिए 10th में, ठीक है।
अब हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की जो लास्ट ग्रोथ हार्मोन है वो उसके है बच्चों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइन सेल है, सेल डिवीजन करता है ये सेल। तो ये भी क्या करेगा, माइटोसिस जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, एक से दो सेल बनना, उसको साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो माइटोसिस को प्रमोट करेगा और वहां से प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी। तो बच्चों जहां पे साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, उस एरिया में सेल डिवीजन भी बहुत फास्ट रेट के साथ होती है। तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, इट प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सी, माइटोसिस। कौन सी, माइटोसिस, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं। क्लियर है? तो साइटोकाइनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। किसमें करेगा बच्चों ये रोल प्ले, सेल डिवीजन में। दे प्रमोट सेल डिवीजन, यूजली दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड। हाँ मिलेगा बच्चों, ये फ्रूट और सीड्स में ज्यादा अमाउंट में मिलता है। द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट इज हायर इन द रीजन दैट हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। तो इसका मेन रोल क्या है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर, सेल डिवीजन बढ़ेगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो साइटोकाइनिन है वो क्या करता है, ज्यादा माइटोसिस करवाता है, और ज्यादा माइटोसिस होगी तो ज्यादा सेल बनेंगे, और ज्यादा सेल होंगे तो प्लांट की ग्रोथ। माइटोसिस का पता है ना, जैसे ये सेल है बच्चों, माइटोसिस में जैसे सपोज प्लांट सेल है, एक्यूरेट मतलब पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ तुम्हें। ये क्या करेगा बच्चों, पहले इसमें एक सेल से क्या बन जाएंगे, दो। माइटोसिस में सिंपल वे से बता रहा हूँ तुम्हें, ना तो प्रोसेस बता रहा हूँ। तो माइटोसिस में ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसी की तरह से दो सेल बन जाते, ठीक है। तो माइटोसिस प्रमोट करता है कौन, साइटोकाइनिन सेल, और उसी माइटोसिस से सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा तो प्लांट ग्रोथ होगी। दाउ हम इसमें एक एग्जांपल और देख लें बच्चों, जो साइटोकाइनिन है, जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, फिर यहाँ पे ग्रोथ हमने शो करी, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना प्लांट की, तो साइटोकाइनिन होता है बच्चों, इट इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट प्रमोट, अगर हम नट सेल में बोलें तो इस तरह से लिख सकते हो, सेल डिवीजन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसको आप याद करके लिख सकते हैं फंक्शन एक लाइन में। क्लियर है? नाउ वील मूव टू नेक्स्ट हार्मोन, जो प्लांट इनिबिटर हार्मोन्स हैं, और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन कौन सा है बच्चों, पहला अबसिसिक एसिड। अबसिशन भी काउज करता है, मीन्स जैसे कोई फ्रूट, अबसिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, अबसिशन ऑफ राइपन फ्रूट, उनको भी ये काउज करता है। तो अबसिसिक एसिड क्या होता है बच्चों, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एज द अदर जो थे जो हमने पढ़े थे वो क्या करते हैं, वो जो जैसे गिबरलिन था, साइटोकाइनिन था, ऑक्सिन था, वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पर ये जो इथाइलिन और ये जो हमारे पास अबसिसिक एसिड है, ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्लांट ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। कैसे, विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव्स इज एन एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ अबसिसिक एसिड। विल्टिंग हो रही है, येलोइंग हो रही है, जैसे येलोइंग हो रही है, विल्टिंग हो रही है, और ये ड्रॉप भी हो जाता है, सेपरेशन होगी, अबसिशन का सेपरेशन, जैसे कोई फ्रूट राइपन हो गया फिर वो येलो होगा और उसके बाद वो ड्रॉपिंग होगी, वो किसकी वजह से हो रही है, अबसिसिक एसिड की वजह से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट हार्मोन, ये भी प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, इथाइलिन। क्या है बच्चों, इथाइलिन। तो जैसे ही आपने देखा होगा, जो हम फ्रूट मार्केट में भी जाते हैं, तो कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ मैंगोज जो होते हैं, दे आर कैप्ट रैप्ड इन पेपर बैग। पेपर बैग में जो फ्रूट्स हैं, या मैंगो का यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो उनको रैप किया जाता है, रैप करके रखे होते हैं मैंगोज, ठीक है। क्यों रखे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है। मैंगोज रैप्ड इन पेपर बैग विल रिलीज इथाइलिन। क्या रिलीज करेंगे बच्चों, इथाइलिन गैस रिलीज करेंगे। ये गैस हार्मोन है, गैसेस हार्मोन है इन प्लांट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ। तो ये इथाइलिन में वो पैक रहते हैं बच्चों। अब इथाइलिन का रोल क्या होगा, इसका क्या रोल है, इथाइलिन क्या है बच्चों, इट इज एन ऑडरलेस गैस, इट स्पीड अप द राइपनिंग प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, राइपनिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये ध्यान रखना है, तो राइपनिंग प्रोसेस में और प्रोडक्शन ऑफ मोर फ्लावर और फ्रूट्स में भी ये हेल्प करता है।
इथाइलिन कम्स अंडर द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ स्टॉप एंड फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड राइपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये राइपनिंग में हेल्प करता है बच्चों, लग गया पता। तो ये है हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन थे, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।